दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने ये मोबाइल देख रहे हैं, ये है वीवो Y81 और ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट मॉडल है। और जो है इस मोबाइल के बारे में भी जो है यूट्यूब पे कमेंट आ चुका है मेरे पास कि भाई ये मोबाइल जो है बूट नहीं कर रहा है और इस मोबाइल का जो है हम पैटर्न रीसेट कैसे करेंगे, किस तरह से बूट करेगा ये मोबाइल, किस तरह से इसका हम पैटर्न लॉक जो है या पिन लॉक जो है रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, आप जो सामने वीडियो देख रहे हैं, ये जो मोबाइल देख रहे हैं, इस मोबाइल का वीडियो ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है मुझे उड़ीसा से भेजा है और वो अनलॉक नहीं कर पा रहा था इस मोबाइल को और काफ़ी परेशान था, ठीक है। तो मैंने उसे बताया कि ठीक है आप ऑनलाइन हमसे कनेक्ट हो जाइए और मैं आपको यहाँ से ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है और पैटर्न लॉक इसको जो है रीसेट करना है मिरेकल बॉक्स से, और उन्होंने काफ़ी ट्राई किया मिरेकल बॉक्स से लेकिन वो जो है इस मोबाइल को बूट नहीं करा पाया और उसको समझ में नहीं आया कि इस मोबाइल को कैसे वो बूट कराएगा, कैसे इसका पैटर्न वो रीसेट करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूँ कि वीवो का कोई भी मोबाइल अभी आ रहा है 2018 का एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0, इस मोबाइल को आप किस तरह से मिरेकल टूल से जो है बूट करा सकते हैं, और अगर मान के चलिए आपको बूट कराने में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ड्राइवर का अगर इश्यू है तो आप उस ड्राइवर को जो है किस तरह से आप सही कर सकते हैं, और मान के चलिए आपके कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल है फिर भी आपका मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में ड्राइवर हैंग किया हुआ हो, ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑनलाइन हूँ, अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर से कनेक्ट हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वीवो की कोई भी अभी जो मोबाइल आ रहा है नया वाला मॉडल जो भी, ठीक है, तो उस मोबाइल को जो है CDC ड्राइवर होना ज़रूरी है आपके कंप्यूटर, और जब तक कंप्लीट CDC ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक आपका मोबाइल जो है अपडेट नहीं होगा, आपका मोबाइल बूट नहीं करेगा मिरेकल टूल से। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है मिरेकल मोबाइल ड्राइवर 1.00, ठीक है। तो इस ड्राइवर की लिंक मैंने ऑल मोबाइल USB ड्राइवर लिंक वाले वीडियो में दे दी थी विंडो 7 के लिए, ठीक है। तो विंडो 7 के लिए भी दी थी मैंने और विंडो 10 के लिए भी दी थी, ठीक है। और अगर आपका विंडो 7 है, 32-bit कंप्यूटर है आपका, तो आप जो है इस ड्राइवर को जो है ऑल मोबाइल USB ड्राइवर लिंक वाले वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप जो है इसे यहाँ पे MTK CDC ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और आपको मैं बता दूँगा, आप जब इस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो आपको ये देखना है कि जब आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल ड्राइवर दिखा रहा है, यहाँ पर दो ड्राइवर दिखाना चाहिए और दो बार आपका जो है ये एक्सेप्ट करना चाहिए कंप्यूटर, ठीक है, तभी समझा जाएगा कि नहीं आपका जो है CDC ड्राइवर आपके कंप्यूटर में परफेक्ट जो है इंस्टॉल है। लेकिन इसे कंप्यूटर में जो ये ड्राइवर हैंग किया हुआ था, मिसिंग था, और इस ड्राइवर को बार बार हम इंस्टॉल कर रहे थे लेकिन फिर भी इसका मोबाइल जो है बूट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका जो है पहला वाला ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा था CDC वाला, ठीक है, और दूसरा वाला जो है ड्राइवर इसका इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है, इसके कंप्यूटर में, क्योंकि इसके कंप्यूटर में जो है इसका कंप्यूटर जो है हैंग किया हुआ है इस वजह से। तो मैंने क्या किया, इसके कंप्यूटर को जो है ऑनलाइन इसके ड्राइवर को अपडेट किया और उसके बाद जो है इसके मोबाइल को मैंने अनलॉक किया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पे अभी मिरेकल बॉक्स जो है इसके जो कंप्यूटर में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यह मिरेकल टूल ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जब भी आप किसी भी मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो पहले आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करके देखना चाहिए कि आप जिस मोबाइल को बूट कराते हैं वो मोबाइल आपका परफेक्ट जो है, आपका जो ड्राइवर है USB ड्राइवर वो परफेक्ट जो है आपका अपडेट है या नहीं है, क्योंकि डिवाइस मैनेजर में ही आपको शो करेगा कोई भी ड्राइवर अगर आपका मिसिंग रहेगा तो वो आपको पीले आइकन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कंप्यूटर में जो है ड्राइवर मिसिंग है, ठीक है, तो आपको उसे अपडेट करना होगा। हो सकता है आपके कंप्यूटर में आपने एंटीवायरस नहीं डाला हो और जिस वजह से आपके ड्राइवर इंस्टॉल था कंप्यूटर में और आपका ड्राइवर को जो है वायरस खा चुका है और आपका मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो आप अच्छे से एंटीवायरस डालें, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी जो है आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करें ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं शुरू से जो है आज से तकरीबन 5 साल से मैं क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस यूज़ करता हूँ अपने कंप्यूटर में, मुझे कोई भी जो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए चलिए मैं जो है इस डिवाइस मैनेजर में जो है मोबाइल लगा हुआ है वीवो Y81 और इसके ड्राइवर को मैं जो मीडियाटेक ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरह का जो है शो करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा वाला ड्राइवर, आप देख रहे हैं कि पहला वाला ड्राइवर मैंने अनइंस्टॉल किया लेकिन फिर भी यहाँ पे CDC जो ड्राइवर शो नहीं कर रहा है प्ले आइकन में, और इसके दूसरे वाले ड्राइवर को भी हम यहाँ से जो है अनइंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद इसका CDC ड्राइवर यहाँ पर शो करेगा पीले आइकॉन में।
चलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में CDC सीरियल, ठीक है, CDC सीरियल जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये CDC ड्राइवर है MediaTek का। अगर ये ड्राइवर कंप्लीट अगर आपके कंप्यूटर में अगर आपका जो है मतलब ब्लैक कलर में अगर आपको दिखाई नहीं देता है और ये पीले आइकन में अगर आपको दिखाई देता है, आप समझ लें कि आपका ड्राइवर मिसिंग है और आप अपने कंप्यूटर में ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करें, ठीक है, अनइंस्टॉल करके पुराने ड्राइवर को दोबारा आप इंस्टॉल करें, फिर इस ड्राइवर को आप जो है राइट क्लिक करके इसे आप अपडेट करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कभी कभी बार ऐसा होता है कि वायरस की वजह से जो है ये ड्राइवर आप अपडेट करते हैं कंप्यूटर में, फिर भी आपका अपडेट नहीं होता, जबकि ऑलरेडी पहले से ही ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है, फिर भी ड्राइवर अपडेट करते हैं अपडेट नहीं होता। अगर ऐसा भी अगर आपके साथ होने लगे, ड्राइवर ये अपडेट ना हो, तो आप ऑनलाइन भी जो है इसे अपडेट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको, ठीक है, इसमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ड्राइवर मैक्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट नहीं ले रहा क्योंकि ड्राइवर इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल है, फिर भी जो ये अपडेट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसे जो है हम ऑनलाइन अपडेट कर चुके थे पहले, फिर आपको दिखाने के लिए मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो अगर इस तरह से आपके साथ होने लगे तो आप ऑनलाइन किस तरह से जो है आप किसी भी मोबाइल USB ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। आपको ड्राइवर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आपके वो डिवाइस मैनेजर को चेक करेगा ड्राइवर मैक्स सॉफ्टवेयर, और ऑटोमेटिकली आप जब वहाँ पे जो ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस ड्राइवर को वो अपडेट कर देगा। दोस्तों आप सामने यहाँ देख रहे हैं ये है ड्राइवर मैक्स, इसे अगर आप गूगल पर अगर आप लिखेंगे ड्राइवर मैक्स तो बहुत ही आसानी से आपको ड्राइवर मैक्स डाउनलोड जब आप लिखेंगे तो आसानी से आपको गूगल में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब अपने कंप्यूटर में आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब इसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होम का ऑप्शन है, ड्राइवर अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्कैन ड्राइवर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में डिवाइस में जो भी ड्राइवर है सारा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और जो ड्राइवर आपका जो है अपडेट नहीं है वो आपको पीले कलर में यहाँ पे आपको शो करेगा, आपको यहाँ पे ड्राइवर मैक्स में भी आपको पीले आइकन में ही आपको शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि पीले आइकन में ये शो कर रहा है, ठीक है। और CDC ड्राइवर शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसे पहले ऑनलाइन अपडेट कर दिया था, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में फर्स्ट बार अगर आपके कोई भी ड्राइवर मिसिंग रहेगा मोबाइल का USB ड्राइवर, तो आप ऑनलाइन इस तरह से यहाँ पे इसे स्कैन करेंगे, ये आपको पीले कलर में यहाँ पे दिखाई देगा और अपडेट पे क्लिक करके आप ऑनलाइन इसे अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके आप जब अपडेट करेंगे इसे तो ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, और आप कंटिन्यू करेंगे आपका ड्राइवर जो है डिवाइस में जो मोबाइल लगा हुआ रहेगा उसे ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ड्राइवर के बारे में कि अगर आपके साथ अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ऑनलाइन भी ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके दोबारा अपने ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस मोबाइल को किस तरह से आपको अनलॉक करना है, ठीक है। तो मेडिकल टूल हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बूट नंबर 8 सेलेक्ट करना है, ठीक है। Vivo Y81 बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आपको बूट नंबर 8 सेलेक्ट करना है, मैनुअली बूट देना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो है Vivo Y81 मॉडल नंबर नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको Vivo Y81 के बदले में Y83 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है पैटर्न या पिन लॉक रीसेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑटो पे चेक लगा हुआ रहेगा, और मान के चलिए अगर FRP लगा हुआ है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो आप एडवांस FRP पे भी चेक लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप एडवांस FRP पे चेक लगाएंगे अभी इस मोबाइल का आपका FRP जो है नहीं निकलेगा, सिर्फ ओनली पैटर्न और पिन सपोर्ट है, ठीक है। तो पैटर्न लॉक और पिन लॉक रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप चलिए मोबाइल को बूट करने की बारी है। तो दोस्तों मैं बता दूँ जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक किए, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल को ऑफ कर देना है, कोई भी वॉल्यूम प्लस या माइनस आपको नहीं दबाना है, डायरेक्ट मोबाइल को लगाना है ऑफ करके। और जैसे आप डायरेक्ट लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर COM5 आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में COM5 यहाँ पे बनाया है, COM5 यहाँ पे जो है मेडिकल टूल में शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब इस तरह से COM5 आपका या COM6 जो भी आपका शो करे, ठीक है, पहला वाला, उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस कंटिन्यू दबा के रखना है मोबाइल का, ठीक है। मोबाइल का जब वॉल्यूम प्लस आप कंटिन्यू दबा के रखेंगे तब तक आपको दबाना है जब तक आपका मोबाइल बूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल कंप्लीट जो है बूट कर चुका है वॉल्यूम प्लस दबाने पर। उसके बाद इसका पोर्ट जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, ऊपर में COM5 दिखा रहा है और नीचे में COM6 दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि COM6 यहाँ नीचे में बना चुका है, और पहले जो मेडिकल टूल से मैंने बूट कराया मोबाइल को ऑफ करके डायरेक्ट बिना किसी वॉल्यूम को दबाए हुए, ठीक है, तो COM5 बनाया। उसके बाद जब वॉल्यूम प्लस हमने दबाया कंटिन्यू दबा के रखा तो कॉम जो यहाँ पे 6 बनाया और मोबाइल बूट हो गया और मोबाइल फॉर्मेट हो चुका है, पैटर्न रीसेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि वीवो के कोई भी मोबाइल को आप किस तरह से जो है बूट करा सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।